उत्तर प्रदेश के मेरठ से एक दिल दहलाने वाली घटना सामने आई है। देर रात बदमाशों ने देहात में सुरूरपुर थाना इलाके के पांचाली में बुजुर्ग की गौशाला पर हमला बोल दिया और एक गौ सेवक नेत्रपाल की गोली मारकर हत्या कर दी, जबकि दूसरा गौ सेवक हारून गोली लगने से घायल हो गया। हालत गंभीर देखकर उसे दिल्ली रेफर कर दिया गया। नेत्रपाल के भाई चरण सिंह ने बदमाशों के चुंगल से छूटकर अपनी जान बचाई और गांव में जाकर शोर मचा दिया, लेकिन बदमाशों से घबराए ग्रामीण पुलिस के आने का इंतजार करते रहे। कई थानों की पुलिस पहुंची। मौके पर एसएसपी प्रभाकर चौधरी, एसपी देहात केशव कुमार कई थानों की फोर्स के साथ पहुंचे तो देखा कि नेत्रपाल का शव खून से लथपथ पड़ा हुआ था, जबकि पास में ही गोली लगने से घायल हारून तड़प रहा था। हारून को पहले मेरठ और फिर वहां से दिल्ली रेफर कर दिया गया। पुलिस ने बदमाशों की तलाश में खेतों में कॉबिंग भी की है। नाम चरण सिंह चौहान है। चरण सिंह भाई, क्या हुआ यहाँ पे पूरा मामला? यहाँ में हम लोग उधर में सोए हुए थे तीनों भाई, मतलब मैं जगता था जी रात के 2 बजे तक, तो मैं जग कर मोबाइल चलाया हुआ था तो उसी से अपना टाइम पास करता था। तो जैसे वो लोग आए हमारे पास, 5 आदमी पहुँचे तो 5 आदमियों ने आते के साथ ही उन दोनों पे, जो मैं बीच में था, जो साइडों पे थे उसमें दोनों पे मारना शुरू कर दिया जिन्होंने। वो रोने लगे, चिल्लाने लगे जी, उनको दोनों को पकड़ के हुए फिर यहाँ में लिया, यहाँ में आकर के उन्होंने गोली मारी थी। कितने लोग थे हमलावर? हमलावर हम मेरी समझ में तो 5 ही दिख रहे थे जी मुझे, और आगे का किसी तरह की कोई रंजिश चल रही है? नहीं, कोई हमारी रंजिश नहीं। अच्छा, हमला किस तरह से? हमला चाहते नहीं है, यहाँ में कोई नहीं चाहता जी कि ये गौशाला यहाँ में चलावें या गौशाला चले यहाँ। कौन से हथियार से हमला किया? चाकू से, पिस्टल से, कुछ देखा नहीं जी? अब हमने देख पाया, गोली मारी है या चाकू से? कोई गोली मारी जी भाई को, तो मेरे छोटे को तो गोली मारी है छाती में, यहाँ में गोली मार रखी है। मैंने भी आकर के देखा उसको, हारून को ये नहीं पता लग रहा ठीक से कि गोली मारी है या धारदार हथियार। हाँ, सूचना मिली थी अभी गोली लगने की 2 लोगों को, तो एक की तो डेथ हो गई है और एक जो है अभी उनका इलाज चल रहा है। और मौके पे यहाँ है एक और व्यक्ति सो रहे थे, उन्होंने बताया कि कुछ लोग यहाँ पे आए पड़ोस गांव के और उन्होंने मारना पीटना शुरू कर दिया, फिर उसके बाद आगे जाकर फायरिंग कर दी। तो इसमें इन्वेस्टिगेशन जारी है, अभी हम लोग मौके पर आए हैं, सारी तथ्यों का भी जानकारी नहीं हो पाया है, बट इसको सुबह तक पता किया जाएगा कि क्या मामला है इसमें।